नमस्कार दोस्तों, भारत यात्रा के 451वे दिन हम पहुंचे हैं चूहे के मंदिर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, चूहों का मंदिर, जिनको चूहों का मंदिर भी कहते हैं। वैसे तो यह करणी माता का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है वो देखकर किसी दुनिया के सबसे बड़े आश्चर्य से यहाँ की स्थिति कम नहीं है। दोस्तों, यहाँ के जो चूहे हैं वो किसी राजा महाराजाओं से कम नहीं है। सैकड़ों की संख्या में, आपको हजारों की संख्या में आसपास मंदिर के आसपास परिसर में चूहे नजर आएंगे। वो किसी राजा महाराजाओं के समान उनका जीवन उनसे कम नहीं है। खाने पीने में 56 प्रकार के पकवान उनको मिलते हैं। दूध है, ड्राई फ्रूट है, फ्रूट्स है, ऐसी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उनका काम केवल इतना है, खाना और सोना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार आज का वीडियो रहने वाला है। मैं मेहुल भारत यात्री साइकिल से पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ। मेरे भारत यात्रा का करने का मकसद गिने चुने को स्थानों पर विजिट देना और वीडियो बनाकर लोगों में वाहवाही बटोरना नहीं है। मैं प्रेमी हूँ हमारे देश के कल्चर का, मैं प्रेमी हूँ हमारे देश के इतिहास का, मैं प्रेमी हूँ हमारे देश के प्रकृति का, और मैं प्रेमी हूँ लोगों के स्वास्थ्य का। इस कारण से भारत योग यात्रा पर मैं 21 जून 2021 से निकला हूँ और पूरे भारत की साइकिल से यात्रा करते हुए आज हमारी भारत यात्रा को 451 दिन हो चुके हैं और आज हम पहुँचे हैं देशलोक के करणी माता के मंदिर में, जो कि विश्व विख्यात मंदिर है। दोस्तों, यहाँ पर चूँकि बहुत सारी कथाएँ प्रचलित है, उनमें से एक कथा ये भी है कि करणी माता इस नगर की कुलदेवी है और उनके ही आशीर्वाद से यहाँ पर बीकानेर और जोधपुर नगर की स्थापना हुई। यहाँ के राजाओं ने उस नगर को जीता और इस प्रकार से इस नगर को, इस राज्य को स्थापित किया। तो दोस्तों, बहुत सारी कथाओं में एक कथा ये भी है कि कुछ असुर या कुछ प्रकार के जो लोग थे वो इस क्षेत्र पर हमला करने आए थे, लेकिन करणी माता के प्रताप से उनको ये श्राप दिया गया कि ठीक है, तुम आए हो, लेकिन अब आसपास हमेशा किसी न किसी रूप में चूहे बनकर हमारे साथ रहोगे। इस कारण से ही परिसर में आपको अलग अलग स्थानों पर, प्रत्येक स्थान, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर चूहों को आने की मनाही हो। प्रत्येक स्थानों पर चूहे जा सकते हैं। मंदिर के अंदर परिसर तक के चूहे हैं, आपको अंदर बाहर हर जगह ढेरों संख्या में आपको चूहे नजर आएंगे। दोस्तों, तो बहुत ही शानदार हमारा ये अनुभव रहा है, क्योंकि हमने बहुत कुछ न्यूज़ में या पेपर में ही पढ़ा था, लेकिन हम भारत यात्रा के दौरान हमारी बहुत सारी चीज़ें साक्षात हो रही है। न केवल हमारे कल्चर से रिलेटेड, हमारी संस्कृति से रिलेटेड, हमारी प्रकृति से रिलेटेड, बल्कि सब कुछ ओवरऑल जितना संभव हो सकता है उतना हम जीवन को एक सार्थक रूप में जीने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम कुछ अच्छा हासिल कर सकें हमारे देश से और हमारे माध्यम से हम आपको कुछ अच्छा दे पाए। तो दोस्तों, भारत यात्रा में हम अभी तक 8 राज्य पूरा कर चुके हैं। 23,000 किलोमीटर से अधिक हमारी यात्रा हो चुकी है और निरंतर अलग अलग परिस्थिति का सामना करते हुए चल रहे हैं। तो आगे की वीडियो में मंदिर के बारे में विस्तार से, मंदिर की जो वास्तुकला है, जो संगमरमर का जो मेन एंट्रेंस पॉइंट है उसमें बहुत ही बारीकी से जो नक्काशी की गई है वो आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे सुहावने और सुंदर और मनोहर दृश्य आपको इस मंदिर परिसर में दिखाई देंगे। तो आगे का वीडियो बहुत ही सुंदर सुहावना होने वाला है, तो देखना ना भूले और हमारे साथ पूरे की पूरी भारत यात्रा करना ना भूले। करणी माता का यह मंदिर अत्यंत ही प्राचीन, भव्य एवं राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। मंदिर के ठीक सामने करणी माता का म्यूजियम बना हुआ है, जहाँ पर करणी माता जी के इतिहास से संबंधित प्रमुख जानकारी, उनके चमत्कार और की कथाएं बताई गई है, महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है, जिसको शांतिपूर्वक हम जान और समझ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर, करणी माता के मंदिर की ओर। लेकिन उसके पहले यहाँ का जो भव्य प्रवेश द्वार बना हुआ है यह भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। अत्यंत ही छोटे छोटे रूपों में अत्यंत ही अलग अलग प्रकार की नक्काशी की गई है, जिसको देखकर ही मन प्रसन्नचित हो जाता है। कुछ देर लोग यहाँ पे ठहरते ही है, इसको निहारते ही है और समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम भी इन बारीक और सुंदर कलाकृतियों पर एक नज़र डालें और जानने का प्रयास करें कि आखिर इतनी खूबसूरत कलाकृति किस प्रकार से हो सकती है और इसका आनंद लें।
द्वारा ये चीख चीख कर अपनी कहानियाँ बयां करती है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी जगह पर आए और जानने का प्रयास करें। वो इंसान हो ना हो, लेकिन बहुत कुछ कहानियाँ ये चित्र ये मूर्तियाँ अपनी बयां करती हैं, तो इस कारण से ही बहुत कुछ हमें जानने को मिलता है। ये हमारे देश का गौरव है। अलग अलग जगह पर कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, उनमें से एक अच्छा कह सकते हैं कला का एक नमूना भारत का एक ऐसा स्थान जहाँ पर एक अपनी संस्कृति विकसित है, अपनी परंपरा विकसित है, ऐसे एक प्रमुख स्थान पर आए हैं देशलोक में, जहाँ पर करणी माता जी का अत्यंत ही प्राचीन मंदिर है। अंदर जाने पर ही माता जी विराजित है, माता जी की गुफा अंदर बनी हुई है, माता जी का मंदिर अंदर बना हुआ है। मंदिर परिसर का दृश्य भी अत्यंत सुंदर है। संगमरमर से बनी हुई ये दीवारें नक्काशी आपको किसी न किसी रूप में हमारे गौरवशाली इतिहास की जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करते ही माता जी के दर्शन करते हैं, जो कि गर्भगृह में स्थित है, पहाड़ों के अंदर गुफा में, जहाँ पर कहा जाता है कि माता जी ने अपनी इच्छा अनुसार अपने देह को त्यागा था, और यहीं पर ही माता जी का भव्य और शानदार मंदिर है। पूर्व में यह मंदिर छोटे रूप में था, लेकिन अभी यह विश्वविख्यात और बहुत ही समृद्ध अवस्था में विराजमान है, जहाँ पर विश्व के अनेक देशों के लोग दर्शन करने आते हैं। इसके बाद की स्थिति देखकर आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि यही स्थिति इस स्थान को अन्य स्थानों से अलग बनाती है। चूहों की फौज जो कि इस मंदिर में राज करती है। यहाँ के चूहों की ज़िंदगी अन्य चूहों से बिल्कुल अलग है। यहाँ के चूहों का केवल एक ही काम है, खाए पिए और सोए। यूँ तो यहाँ पर सैकड़ों हजारों चूहे हैं, लेकिन इन सब की नज़रें एक विशेष प्रकार के चूहों को निहार रही है, वो है सफ़ेद चूहे। माना यह जाता है कि अगर किसी को सफ़ेद चूहा नज़र आ गया तो वो भाग्यशाली माना जाता है। इस कारण से ही लोग ध्यानपूर्वक इन चूहों को देखते हैं, इनके लिए अलग अलग प्रकार के पकवान लेकर आते हैं, दूध, ड्राई फ्रूट, फ्रूट्स, फल, ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं है इनको। यहाँ पर मंदिर के इस भाग में बड़ी बड़ी कढ़ाइयों को बड़ी बड़ी भट्टियों के ऊपर रखा गया है, जो कि पूर्व में रखा गया है हाथियों द्वारा। अभी तो ऐसे भी इसको हिलाना डुलाना संभव नहीं है। यहाँ पर एक विशेष आयोजन में जब कोई धर्मात्मा दान करता है तब प्रसादी का वितरण किया जाता है। तो ऐसे ही मंदिर के आसपास आपको अलग अलग सुंदर सुंदर दृश्य नज़र आएंगे। ऐसा हमें बताया गया कि इनमें से कोई एक मूर्ति जो बीकानेर के जो महाराजा है उनकी है। ऐसे ही कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज का जो अनुभव है बिल्कुल नया और बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें सामान्य तौर पर कहीं नहीं देखी जाती। यहाँ पर किसी न किसी रूप में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चूहे हैं वो यहाँ के राजा हैं। किसी प्रकार के खाने पीने की यहाँ पर इनके लिए कोई कमी नहीं की जाती, हर चीज़ इनके लिए उपलब्ध है, हर जगह इनके लिए खुली है, हर फैसिलिटी इनके लिए हर समय उपलब्ध रहती है। इस कारण से ये बड़े ही आनंद से घूमते रहते हैं। बस ये है कि आप इतना ध्यान रखें घूमते समय कि कहीं आपके पैरों के नीचे ना आ जाए। ये किसी को ना काटते हैं ना परेशान करते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, फिर दिन भर घूमते रहते हैं। जहाँ जहाँ इनको जगह मिलती वहाँ वहाँ अपना डेरा डालते हैं, बढ़िया मस्त सोते हैं। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं, आनंद से जीवन इनका बीतता है। और ये कहा जाता है, लोगों ने बताया मुझे यहाँ पे एक भैया ने, कि भाई इनकी संख्या शायद बढ़ती नहीं है, जितनी ही उतनी है। अगर मान के चलिए 10,000 इनकी संख्या है तो लगभग 10,000 भी रहती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती।
लेकिन जो भी हो, एक नया अनुभव, एक नया एक्सपीरियंस कह सकते हैं हमारी भारत यात्रा का। और शायद अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपके लिए भी एक नया अनुभव ये हो सकता है कि इस प्रकार से भी जिसको हम अपने घर पर रहने नहीं देते, जिनसे हम त्रस्त रहते हैं, कोशिश ये करते हैं कि हमारी कोई चीज़ खाने पीने की लेकर या कोई भी चीज़ चूहों के नज़र में ना आ जाए, वो नुकसान ना पहुँचा दे, और उसी के उलट यह एक मंदिर जहाँ पर एक चूहों को इस प्रकार से उनको किसी प्रकार के राजा महाराजा के समान ट्रीट किया जाता है। बाहर से लोग उनकी ज़रूरतों को, चीज़ों को लेके आते हैं, अलग अलग प्रकार के पकवान लेके आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बिल्कुल खुले वातावरण में रहते हैं, लोग उनको देखने आते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, फ़ोटो वीडियो निकाल के जाते हैं और एक अलग ही अनुभव महसूस करके जाते हैं। तो यही अनुभव मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस वीडियो में आपके लिए एक नया अनुभव है। ऐसे ही सभी प्रकार के वीडियो में हमारे कुछ न कुछ भारत के अलग अलग अनुभव शेयर करते रहेंगे, साझा करते रहेंगे और हमारी भारत यात्रा ऐसे ही निरंतर चलते रहेगी। कलेक्टर महोदय साहब आए हुए हैं मुआयना करने के लिए और भीड़ खासी लगी हुई है, इस कारण से ही देख सकते हो। कुछ लोगों के लिए मैं केवल एक साइकिल यात्री हूँ और बहुत सारे लोगों के लिए उससे बढ़कर, यूं तो मैं उनके समान ही हूँ, लेकिन मेरी सोच, मेरे सिद्धांत मुझे उनसे अलग बनाते हैं। औरों के लिए ये केवल एक रास्ता हो सकता है, मेरे लिए ये मेरा सब कुछ है। मेरा देश है, मेरा भारत है। भारत माता।